नमस्कार, काजल किचन में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है तो जन्माष्टमी में लोग तरह तरह की चीजें बनाते हैं। आज मैं आपको जन्माष्टमी में कान्हा जी को मुंह लगाने के लिए मेवा पाक बनाना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मेवा पाक बनाना शुरू करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए हमने मेवा लिए है। हमने 1/4 कप काजू को एक काजू के 4 टुकड़े करके ले लिए हैं। 1/4 कप बादाम हमने एक बादाम के 4 टुकड़े करके ले लिए हैं। 1/4 कप हमने किशमिश ली है और ये 2 बड़े चम्मच के करीब हमने चिरौंजी ली है। आपके पास जो भी मेवा अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, जो ना हो वो अवॉइड कर सकते हैं। ये हमने 1 सूखा हुआ नारियल, थोड़ा हमने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा इस तरह से हमने पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। ये 1.5 कप के करीब हमने मखाने ले लिए हैं, ऐसे हमने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। ये 1.5 कप हमने चीनी ली है। ये 2 छोटी इलायची को हमने इस तरह से ले लिया है। 2 बड़े चम्मच के करीब हमने ये घी लिया है और ये 4-5 हमने पिस्ते बारीक काट के ले लिए, इसे हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो चलिए मेवा पाक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ये नारियल को डाल देंगे। नारियल को हमें ऐसे ही भूनना है, इसमें घी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। इसे हल्का सा हम 2-3 मिनट इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। आंच हम धीमी रखेंगे, अगर आंच तेज होगी तो ये एकदम से जल जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। धीमी आंच पे हम इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये नारियल हमारा भून गया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया, बस हमें इतना ही भूनना है, जिसे हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में अभी हम आधा घी डाल देंगे। घी में हम मखाने डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे आज हम मीडियम ही रखेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए मखाने। ये मखाने भी हमारे भून गए हैं, इसे भी हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी का बचा हुआ घी भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस घी में हम ये बादाम, काजू और ये चिरौंजी डाल देंगे। इसे भी हल्का सा भून लेंगे हम। आज हम मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम मिनट में ही भून के तैयार हो जाएंगे। ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं हमारे काजू, बादाम और चिरौंजी, इसी में हम ये किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसे हम बाद में डालना है। बस थोड़ा सा इसे चलाएंगे, किशमिश फूल के बड़ी हो जाएगी और हम इसे निकाल लेंगे। किशमिश भी फूल गई है और ये मेवा भून गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस हम बंद कर देते हैं। अब हमें मेवा पाक के लिए चाशनी बनानी है, तो हम इसी कढ़ाई में 3/4 कप पानी डाल देंगे। जो हम 1.5 कप चीनी ली थी, चीनी भी इसी में हम डाल देंगे। गैस हम फिर से ऑन कर देंगे और चीनी को हम मेल्ट होने आने देते हैं। हमें इसकी 2 दाग की चाशनी बनानी है। पहले हमारी चीनी घुल जाती है, उसके बाद हम इसे 3-4 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसके दाग चेक करेंगे। ये चाशनी हमारी पक गई है, हम थोड़ा सा किसी कटोरी में डाल के चेक कर लेते हैं कि इसमें 2 दाग बन रहे हैं कि नहीं। एक बूंद हमने इसमें टपका लिया है, थोड़ा सा ठंडा करके इसे हम चेक करेंगे। इसमें कई सारे तार बन के आ रहे हैं, हमारी चाशनी एकदम तैयार है। अब इसमें हम ये सारी मेवा डाल देते हैं। ये मखाने डाल दिए, ये नारियल डाल देते हैं हम इसमें, ये सारी मेवा डाल देते हैं। ये इलायची जो हमने कूट के ली थी ये भी डाल देते हैं इसमें, मिक्स कर देते हैं सब कुछ। गैस हम बंद कर देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, हमने प्लेट को घी लगा के चिकना कर लिया है। इसी प्लेट में हम इसे जमाएंगे, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऊपर से ही थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ते डाल देंगे। इसी कटोरी की सहायता से हम इसे इस तरह से दबा के परोसा कर देंगे। तरह से बाकी के बचे हुए को भी हम ऊपर से पिस्ता डाल के और इस तरह से दबा के जमा देंगे।
ये दोनों प्लेट में हमने जमा के और इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम कम से कम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे, इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीस, ये हमारा मेवा पाक एकदम ठंडा हो गया और ये सेट हो गया है। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। इस तरह से इसके जितने बड़े बड़े आपको पीस करने हो निकाल लें। ये हमारा मेवा पाक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा मेवा पाक बना है। आप इसे जन्माष्टमी पर बनाइए और कान्हा जी को भोग लगा के सभी को प्रसाद में दीजिए, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।